Today we will make slider. Few students had requested for that. So we will make an image slider today. तो इमेज स्लाइडर बनाने के लिए अपने को लगेगा फ्रेम, ये ब्लैक कलर का बॉर्डर, लेंगे एक लेबल, लेबल के नीचे लेंगे दो बटन, ये B1 और ये B2। और हम लोग क्या करेंगे, इस पे पहले एक इमेज डिस्प्ले करेंगे, ठीक है? यस। और जब बंदा नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो दो इमेज रहेंगे अपने पास, ठीक है? ये दो इमेज रहेंगे। एक मिनट, नेक्स्ट इमेज है। तो ये दो इमेजेस है, तो जब प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज बाहर जाएगी, मतलब ओवरलैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा? और ये तो यूजर को ये इमेज दिखेगी अंदर। हाँ। वापस वो प्लस पे क्लिक करेगा तो कोई और तो इमेज नहीं है ना राइट में, दो ही इमेज अपने पास। हाँ। तो बोलेगा नो मोर इमेज, क्या बोलेगा? और जब लेफ्ट पे क्लिक करेगा तो ये इमेज बाहर जाएगी वापस और ये इमेज अंदर आएगी। हाँ। है ना? हाँ। ऐसे अपन एक स्लाइडर बना सकते हैं, ठीक है? तो अपने को ये जो इमेजेस है ना, इमेजेस ये जितने भी जितने भी आपके इमेजेस है, जितने भी आपके इमेजेस है, ये सब स्टोर होने वाले है एक कंट्रोल का नाम है इमेज आइकन। क्या नाम है कंट्रोल का? इमेज आइकन। इमेज आइकन नाम से कंट्रोल है, उसमें सारे के सारे स्टोर होंगे। यस। तो ये इमेज आइकन नाम से है, ठीक है? और इस इमेज को ये लेबल है, क्या ये लाल कलर का क्या है? हम लेबल पे इमेज डालेंगे। लेबल पे क्या डालेंगे? इमेज। कौन से फंक्शन से? सेट आइकन। सेट आइकन इमेज से, ठीक है? तो अभी अभी मैंने कितने कितने इमेजेस लिया है? तो मैं इमेज आइकन का एरे बनाऊंगा दो साइज का। यस सर। इमेज एरे करके इज न्यू इमेज आइकन, और क्या साइज का रहेगा उसका? टू। जितने आपको इमेजेस चाहिए उतने आप इमेजेस ले लो। अगर आपको पांच इमेजेस को स्लाइड करना है तो पांच लो, ठीक है? तो और अभी इसमें तो ये इमेज एरे जो है इसके दो इंडेक्स हो गए अभी, है ना? तो ये yes, हो गया जीरो और ये हो गया वन। तो जीरो पे अपन डाल देंगे पेंटागन और वन पे डाल देंगे हेक्सागन, है ना? ये किस पे चला जाएगा? तो ऐसे अपन दो इमेजेस ले लेंगे, ठीक है? yes। और फिर ये प्लस के बटन पे अपन इमेजेस को स्लाइड करते जाएंगे। समझ में आ गया? यस सर। चलो इसको कोड करते हैं अभी। तो इधर तो है, सॉरी ऑलरेडी है। क्या क्या इंपोर्ट करना है बोलो? इंपोर्ट जावा डॉट awt.star इंपोर्ट जावा डॉट awt.event.star क्योंकि वो भी है ना उसमें बटन बटन भी है। और एक अपन जेल लेबल ले रहे हैं, जेल लेबल तो जावा एक स्विंग डॉट स्टार, ठीक है? क्या करेंगे, एक पब्लिक क्लास बनाएंगे माय स्लाइडर एक्सटेंड्स जे फ्रेम इंप्लीमेंट्स एक्शन लिसनर ये हो गया। और अभी इसमें क्या क्या लगने वाला है कंट्रोल बोलो अपने को। एक लेबल लगेगा, एक लेबल है ये लेबल L1 दे दिया, दो बटन है, यस दो बटन B1 इनको डाल देंगे साउथ में, तो पैनल भी ले लेंगे पैनल। और क्या चाहिए अपने को? इमेज आइकॉन, इमेज आइकॉन, इमेज आइकॉन का IC दे दिया, ठीक है? यस न्यू ओके, इसको यहाँ बना देते हैं अपना
न्यू इमेज आइकॉन कितने साइज का? दो। ठीक है ओके। और अभी अपन क्या करेंगे, जब अपन प्लस और माइनस करेंगे ना, जैसे जब ठीक है, तो ये जो है ना जीरो और वन, तो ये अपन इंडेक्सेस को डालेंगे इसके ऊपर। तो अभी जब जब इस पे क्लिक करेंगे तो पहले पहले इमेज कौन सी थी, जीरो इंडेक्स की थी ना, जीरो इंडेक्स। फिर कौन सा आ जाएगा जब इस पे क्लिक करेंगे तो कौन सी आ जाएगी, वन। और जब इस पे क्लिक करेंगे तो वापस कौन सी आ जाएगी, जीरो। तो वन वन से टू होगा क्या, नहीं। और जीरो से माइनस वन होगा क्या, नहीं। तो ये जीरो और वन के लिए अपने वेरिएबल ले लेते आए, ठीक है। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं आए। चलो अभी आ जाते हैं किसमें, कंस्ट्रक्टर में। तो कंस्ट्रक्टर में जल्दी से अपना वो बना दो, क्या क्या लग रहा है अपने को, L1 लग रहा है, L1 is new। अब इस लेवल को हम बाद में बनाएंगे, इसका जो पहला जो है ना पहला इमेज, yes। जो पहला इमेज है ना बाय डिफॉल्ट रहेगा ना इसके अंदर, बाय डिफॉल्ट पहला इमेज उसके अंदर रहेगा ना ये। तो अपन पहले पहले अपन इमेजेस ऐड करते हैं फिर लेवल बनाएंगे। ओके तो क्या है इमेज स्लाइडर का क्या रहेगा, ये दो हो गए राइट। तो आई सी ऑफ जीरो इज न्यू इमेज आइकॉन, और यहां पर वो इमेज का पाथ दे देंगे। यस। और ये IC of one is new image icon, और यहाँ पर वो इमेज का पाथ दे देंगे, जो भी C drive, D drive रहेगा ना अपने पास। तो हम क्या करेंगे, दो दो इमेज ले लेते हैं अपने फोल्डर में, अपन दो इमेज ले लेते हैं समझो, सिंपल सिंपल वाले, डेजर्ट और ट्यूलिप्स, ये नाम के ले लिए। D में गए ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर दिया अपने डेजर्ट और टूलिप्स नाम से, इसका इसका पाथ तेरा बढ़ेगा ना पूरा। yes। इसका पूरा पाथ अपना ये जो फोल्डर है जिसका मैंने पेस्ट किया अभी, इसका पूरा पाथ तेरा पड़ेगा। पाथ ले लिया, और इनके लिए था ना स्लैश, ये वाला लगता है, ये वाला स्लैश लगता है उसके लिए, इधर वाला। हाँ तो क्या दे दिया इसको मैंने, डेजर्ट डॉट जेपीजी, डेजर्ट डॉट जेपीजी, और दूसरे में क्या रहेगा, टूलिप्स डॉट जेपीजी है ना। यस। तो ये अपने दो इमेज हो गए ओके, ये हो गया। yes। अब बी वन इज न्यू पैनल, पहले पैनल बनाना पड़ेगा अपने को। तो क्या नाम है, P1 is new panel, P1 equal new panel ठीक है, और B1 equals new button, new button, और उस पे क्या लिख, क्या लिखना है अपने को, left है ना। yes। और इस पे B2 is new button, उस पे क्या लिखना है, राइट। दोनों किसमें ऐड करेंगे, पैनल ठीक है। और अभी अपने को ये पैनल किसमें आउट आउट ऐड करना है, साउथ में ना। तो सेट लेआउट क्या करेंगे फ्रेम का, न्यू मॉडल लेआउट, और ये P1 कहाँ जाएगा, साउथ। ओके L1 कहाँ जाएगा, फिर अभी L1 बना लेते। तो अभी L1 equals to new, ओके ऊपर तो अपने L1 डिक्लेयर किया है ना, सिर्फ अपने को ओके L1 equals to new J label ठीक है। yes। और इस पे कौन सा इमेज सेट करना है अपने को, पहले IC of zero ना, तो उसके लिए फंक्शन क्या था, सेट आइकॉन, क्या था, इमेज इमेज आइकॉन,
सेट आइकन भाई फंक्शन सेट कर इमेज डालने के लिए। हाँ तो बाय डिफॉल्ट पहला इमेज दे देते ना इसको। हाँ तो पहले शुरू में इसको पे ये दिखेगी आई सी ऑफ जीरो दिखेगी इसके ऊपर। यस और एल वन का ऐड होगा अभी सेंटर में। सेंटर ओके कोडिंग किस पे करनी है अपने को बी वन बी टू पे। तो बी वन डॉट ऐड एक्शन लिस्टन दिस और बी टू डॉट ठीक है समझ में आ रहा देखो क्या yes. हुआ अब तक। यस सर अब कौन से फंक्शन को ओवरराइड करना है एक्शन परफॉर्म क्योंकि आर्गुमेंट लेगा एक्शन इवेंट का। यस yes, है ना। यस सर एंड नाउ लेट्स ऐड दोज डिफॉल्ट मैसेज ऑल्सो व्हाट मेथड्स वी हैव सेट टाइटल द टू थ्री डिफॉल्ट मेथड्स वी हैव राइट सेट टाइटल है और क्या क्या है सेट साइज। सेट साइज कर देते हैं ओके सेट टाइटल सेट साइज दे देते हैं 500 का विड्थ 400 का हाइट ठीक है। और फिर क्या करना है सेट विजिबल यस और नो यस सर स्लाइडर इमेज स्लाइडर में भी चलो ठीक है वो तो कुछ दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम ठीक है ना। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं ठीक है। तो अभी जब हम लोग ये करेंगे स्लाइड करेंगे तो पहले क्या करेंगे उसका रीड कर लेंगे ना। एक्शन इवेंट का ऑब्जेक्ट है ए ई ओके तो क्या करेंगे इफ ए ई डॉट गेट सोर्स इज इक्वल इक्वल टू बी वन देन व्हाट टू डू नेक्स्ट B1 इज अ नेक्स्ट क्या प्रीवियस 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 है B1 हाँ प्रीवियस है B1 first हाँ B1 प्रीवियस है। तो अभी क्या करने का मैसेज बॉक्स में डालना है दिस इज द फर्स्ट इमेज पर वो पहले अपने को चेक करना पड़ेगा ना इंडेक्स चेक करना पड़ेगा ना उसका। हाँ अपने को पहले उसका इंडेक्स चेक करना पड़ेगा ना। अपन वो क्या करते हैं उस आई को स्टैटिक कर देते क्या कर देते आई को स्टैटिक ताकि बाय डिफॉल्ट वो जीरो हो जाए। क्या हो जाए बाय डिफॉल्ट वो जीरो हो जाए। तो अभी अगर जीरो है तो कैन वी गो टू द प्रीवियस अगर अगर जीरो है तो कैन वी गो टू प्रीवियस क्या no. तो क्या बोलेंगे तो चेक कर लेंगे अपन अगर उसने प्रीवियस पे क्लिक किया हम चेक तो क्या करेंगे इफ आई इक्वल इक्वल टू जीरो देन व्हाट विल वी से तो ये इसका इफ एल्स रहेगा ये इसका इफ एल्स रहेगा डोंट बी कंफ्यूज्ड। ये इफ एल्स किसका है बड़ा वाला नेक्स्ट प्रीवियस का किसका नेक्स्ट नेक्स्ट ये जो बड़ा वाला इफ है ये किसके लिए है प्रीवियस और ये है ये इफ किसके लिए है नेक्स्ट के लिए। ये इफ किसके लिए है कि प्रीवियस जाते जाते अगर आप लास्ट इमेज पे आ गए अगर आप प्रीवियस जाते जाते लास्ट इमेज पे आ गए तो क्या करेंगे क्या बोलेंगे इसको अपन तो उसके लिए फंक्शन है जो उसके लिए मेथड है जो ऑप्शन पेन क्या है जे ऑप्शन पेन उसका एक मेथड है शो मैसेज डायलॉग क्या है शो मैसेज डायलॉग उसका आपको क्या मैसेज दिखाना है बोलो। तो उसमें सबसे पहले पास करने का करंट क्लास का ऑब्जेक्ट
ये करंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दिया एंड व्हाट मेथड डू यू वांट टू शो दिस इज द फर्स्ट इमेज ठीक है और अगर वो नहीं है फर्स्ट इमेज नहीं है तो क्या होगा आई क्या होगा इंक्रीमेंट का डिक्रीमेंट प्रीवियस है ना बी वन इज प्रीवियस यस ऑर नो यस सर आई विल इंक्रीमेंट तो और डिक्रीमेंट अगर लास्ट इमेज नहीं है तो डिक्रीमेंट और एल वन का क्या होगा फिर सेट सेट आइकॉन क्या होगा एल वन का आई सी ऑफ बी वन आई सी ऑफ आई जीरो देखो जब मैं प्रीवियस समझो अभी मैं हूं वन पे हूं किस पे हूं इमेज इमेज नंबर आईसीओ वन इमेज आईसीओ वन दिख रहा है इमेज कौन सा दिख रहा है इधर आईसीओ वन तो ये अपना आईसीओ वन है ठीक है इधर इसको ये अभी समझो ये इमेज आपका है और आपने प्रीवियस पे क्लिक किया तो क्या होगा ये आईसीओ वन है ना तो आप पहले आपका आई डिक्रीमेंट होगा क्या होगा और जो नया वाला आई है उस इंडेक्स का इमेज दिखेगा ना समझा एंड नाउ व्हाट विल यू डू फॉर नेक्स्ट व्हाट विल यू डू फॉर नेक्स्ट नाउ सेम थिंग कॉपी पेस्ट करेंगे नेक्स्ट के लिए क्या होगा अगर आई क्या हो जाए वन ना वन क्या आगे जाएगा यहां पर जीरो से कम नहीं होगा और यहां पर तो अगर आई वन हो गया तो क्या बोलेंगे दिस इज लास्ट वरना क्या बोलेंगे आई को लास्ट इमेज आई प्लस प्लस समझ में आया हाँ सर तो ये कौन सा मेथड ये था ये अब क्या बचा लास्ट में क्या बचा अपना उसमें क्या करेंगे इसका एक अनोनिमस ऑब्जेक्ट बना देंगे न्यू माय स्लाइड अरे और ये क्लास भी क्लोज अरे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है समझ गया इसको सेव कर देंगे किधर जाके जहां हमने इसको बनाया है डी जावा इंटर्नशिप AWT प्रोग्राम में जाके इसको सेव कर देंगे डॉट जावा नाम से ठीक है कोई शक नो सर पूरा प्रोग्राम रिव्यू कर लिया आपने चलो अभी इसको कंपाइल करते हैं ओके क्या बोल रहा है ये इमेज आइकॉन कैनॉट बी कन्वर्टेड टू कौन से लाइन नंबर 10 पे आ रहा है लाइन नंबर 10 पे आ रहा है तो इसमें क्या करेंगे हम क्या अपन भाई बस तो इसमें क्या कर सकते हैं अपन इमेज आइकॉन को इधर ऐसा कर देंगे आईसी और यहां पर हम कर सकते हैं आईसी इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकॉन समझा ठीक है ना और साइज क्या दे दिया उसको अपने टू दे दिया इमेज आइकॉन स्पेलिंग सही है ना इमेज आइकॉन के ठीक है लेट्स डू दैट तो वहां पर नहीं यहां डाल देते अभी कंपाइल किया अभी साथ अब साथ एरर आ रहे अभी क्या हो रहा है कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्क्रीन नहीं दिख रहा है
क्या रहा है? आई सी इज न्यू इमेज आइकॉन ऑफ टू, क्या हो रहा है इसको? ओके वो एरे, ओके इट्स अ एरे राइट, इट्स अ एरे राइट और रॉन्ग? तो एरे चाहिए ना सिंबल, वो उसका जवाब है, याद रखना। ठीक है कंपाइल हो गया, एक बचा अभी, क्या बोल रहा है? जे लेबल, जे में एल बी बड़ा आता है, जे लेबल में एल बी कैपिटल कैपिटल रहता है, सेव किया। कंपाइल हो गया, क्या बोल रहा है ये? मेन मेथड नहीं बता रहा है, कैसे कैसे मेन मेथड नहीं है? माई स्लाइडर दिया ना क्लास का नाम, अपन दे तो दिया मेन मेथड पब्लिक। ओके वॉइड में का आर्गुमेंट क्या रहते हैं लोग, है ना, कुछ काम के नहीं है। ओके सी इमेज हैज कम, दिख रहा है? हेलो, हुआ स्लाइड हुआ? हाँ सर, हो रहा है? हाँ, क्लियर? यस, आया समझ में ना? ओके तो ये तो क्या कर रहा है, सेंटर को पूरा अब्सॉर्ब कर रहा है, सेंटर जो है सेंटर पार्ट, उसको पूरा का पूरा सेंटर को कवर कर लिया ना इसने। पर अभी अगर मुझे इतना चाहिए, इतने जगह पे चाहिए वो इमेज, तो फिर सेट बाउंड्स करेंगे, क्या करेंगे फिर? सेट बाउंड्स करेंगे, ठीक है। तो इसको अपन कॉपी कर लेते हैं और एक नया बनाते हैं, इमेज स्लाइडर टू, क्या बनाते हैं? इमेज स्लाइडर टू, इमेज स्लाइडर प्रो कर देते हैं आप लोग की भाषा में, टीनेज की भाषा में, ठीक है। तो क्या कर देंगे इसको प्रो वर्जन में, क्या करना पड़ेगा? हालांकि प्रो वर्जन तो वो है, प्रो वर्जन वो है जो अपने आप स्लाइड करे टाइमर के साथ, अपना टारगेट तो वो होगा, अच्छा टाइमर लगा के अपने आप इमेजेस स्लाइड करना चाहिए। प्रो वर्जन में क्या करना है बोलो अभी? तो लेआउट सेट कर देंगे नल, क्या कर देंगे? लेआउट सेट नल, और ये सारे कंट्रोल्स को जो है ना हम लोग अपने कोऑर्डिनेट से ऐड करेंगे, किससे ऐड करेंगे? Coordinate. ठीक है, और फिर पैनल की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैनल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना इमेज आइकॉन हो गया, ये बटन्स हो गए, ये बटन्स को ऐड करने का अपने को करना पड़ेगा मैन्युअली लॉजिक से, ठीक है। लेबल भी बनेगा, सेट आइकॉन हो जाएगा, ये सब तो साउथ वाउथ तो नहीं होने वाले, ठीक है। अब देखो अभी अपना सबसे पहले अपने को क्या ऐड करना है, लेबल, क्या ऐड करना है? लेबल, तो लेबल का ज्योग्राफिकल पोजीशन अपन माप लेते हैं, ठीक है। तो लेट से कि ये 100 है, ये 100 है और ये 100 है, okay. तो स्टार्टिंग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है लेबल के? 100 100, और लेट से आई गिव लेंथ ऑफ 200, ये जो लेंथ है ना, ये जो विथ है इसका विथ, लेट गिव दैट एज 200 एंड लेट्स गिव हाइट एज 200, ओके? तो लेबल का कोऑर्डिनेट क्या है? 100 100 200 200, है ना? यस। तो एज सून एज आई मेक द लेबल, एस कहां गया वो, तो ये दिख रहा है L1 इज न्यू, जे लेबल बना दिया ना अपन ने, ये बनाने के साथ में ही L1.setBounds का फंक्शन है, setBounds क्या है? 100 100 और 200 200, ये तो हो गया, ठीक है।
अब लेबल तो बन गया, अब लेबल के साथ में किसको बनाना है, बटन्स को। तो अगर ये 100 है और 200 का ये है तो कितना, ये कितना हो गया 300, है ना। तो और ये 20 का गैप छोड़ दो, 20 का है ना, 20 का ये गैप छोड़ दो, 20 का ये जो गैप है ना, इसको 20 का गैप छोड़ दो, तो फिर ये कितना हो गया 320। 320 हो गया ये। ओके, जब ये 100 था, 100 तो ये भी कितना होगा इधर 130 हो गया ये। जब ये पार्ट 100 है, जब ये पार्ट 100 है तो ये पार्ट कितना होगा फिर, ये पार्ट 130 पकड़ते उसको, तो ये जो बटन है इसका इसका टॉप लेफ्ट क्या होगा 130 320 ना। अरे ये पहली जो ग्रीन बटन है, पहली ग्रीन बटन, इसका एक्स एक्सिस कितना, एक्स एक्सिस 130 है ना, क्योंकि ये लेबल 100 पे शुरू हो रहा है और ये थोड़ी अंदर है लेबल से, तो 130 और ये खत्म हो रहा है 300 पे, तो 20 का गैप है, तो कितना हो गया 130 320। और अगर ये पूरा 200 है तो इसको हम दे देंगे 50, क्या दे देंगे, इसका विथ 50 दे देंगे, इसका विथ बटन का विथ 50 रहेगा, बटन का जो विथ है वो 50 रहेगा, तो 50 का विथ है तो हाइट रहेगी लेट से 30 की, ताकि वो रेक्टेंगल लगे। तो आप बोलो क्या है इसका फर्स्ट बटन के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या है, 130 320 50 30 है क्या, नहीं। ओके, तो अगर ये 50 का विथ है तो 130 से ये हो रहा है 180 तक, तो ये बटन एंड हो रही है 180 पे, क्या हो रही है 180। ओके, और थोड़ा गैप 20 का गैप छोड़ दो, तो कितना हो गया 200। तो ये बटन कहाँ शुरू हो रही है 130 पे, 200 पे ना, x एक्सिस 200 और क्या y एक्सिस, तो सेम है ना y एक्सिस, तो हाँ बाकी सब सेम रहेंगे, 200 320 50 और 30, बाकी सब सेम रहेंगे 50 और 30, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स याद रखो। तो अभी वो पहले बटन को देना है, तो पहला B1 बन गया, तो इसका सेट बाउंड्स क्या रहेंगे, टू वन 130 था ना इसका, हाँ 130 था तो फर्स्ट। ओके, ये हो गया इधर, और B2 का सेट बाउंड्स क्या होगा फिर, जो अपन ने 200 जो अपन ने अभी कॉपी किए, ठीक है 200 कॉमा है ना, हाँ हो गया बस, हाँ बटन के भी हो गया और लेबल का भी हो गया, बाकी सब सेम। तो इसको सेव किस नाम से करेंगे, माय स्लाइडर प्रो, प्रो नाम से सेव कर देंगे इसको, डॉट जावा, इसको कंपाइल करते हैं, हो गया कंपाइल। रन करते हैं। ओके, उनको ऐड भी करना पड़ता है भाई उनको। हेलो, हाँ सेट बाउंड्स करके ऐड भी करना पड़ता है, तो ऐड ऐड B1, यस, अपन ऐड नहीं किए इसके लिए दिखा नहीं रहे हो, और इधर इसको ऐड B2, और इधर ऐड B1, ठीक है, हाँ मेकिंग सेंस, कंपाइल हो गया, रन हो गया, दिख रहा है, हाँ ठीक है, हाँ यस और नो, यस,
तो ये उससे हो गया। अभी आप चाहो तो बटन्स को यहाँ लगा दो, ज्योग्राफिकली लेफ्ट को यहाँ लगा दो, राइट को यहाँ लगा दो, दैट वुड मेक मोर सेंस ना। यस, सो व्हाट वी कैन डू इज, इसका तो पूरा कचरा हो गया इमेज का, तो इसको उठा के यहाँ लगा दो, तब बोलो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके, और इसको लगा के यहाँ लगा दो, कोऑर्डिनेट्स बोलो क्या होंगे। ये 100 है तो ये 20 से शुरू करते, शुरू करते किससे शुरू करते हैं, क्योंकि 50 का तो, कि 50 का तो विद भी लेगा ना वो, हाँ, 50 का विद भी है ना, क्योंकि अगर आपने को 100 के पहले करना है तो 20 से 70 तो जाएगा ना वो, हाँ, और 30 का अपन गैप छोड़ देंगे, 30 का गैप दोनों के बीच में, और ये 100 तो ये 150 कर लेते हैं, अब बोलो क्या है 20 150 कितना, 20 150 50 30 है ना, 30, हाँ। और इसका क्या होगा फिर अभी, तो ये गैप, ये गैप कितना है दोनों इमेज के और इसके बीच में, 30 का गैप है ना 70 और 30 के बीच में, हाँ 30 तो का गैप तो है, तो फिर यहाँ भी तीर छोड़ दो, अगर वो 300 तो 230 है, ये 200 का है ना, हाँ 300, हाँ। तो 300 हो गया, तो ये होगा 330, क्या हो गया ये 330 एंड बाकी सब सेम है, 380 हो जाएगा ना सर, क्यों बाकी सब सेम है ना, वाई एक्सिस तो सेम है ना, ओके हाँ हाँ ठीक है, तो अभी क्या है बोलो मुझे पॉइंट्स बोलो जल्दी से, 20 150 50 30 वो फिर से बोल 20 150 50 30 30, वो तो सेम है, चलो और दूसरा क्या था 230 ना, हाँ 330 150 150, तो इसको अभी तो ऐसा आपको सेट बाउंड से आप ऐसा इम्प्रोवाइज कर सकते हो, आ गया दिख रहा है, अगर आप जितने इमेज चाहो उतने इमेज डाल के उसको अपने आय को बढ़ाते जाओ, ठीक है, तो इन, तो एरे का इंडेक्स क्या होगा, फर्स्ट एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या, स्टार्टिंग इंडेक्स 0, तो और एंडिंग इंडेक्स क्या होता है, एरे का लास्ट इंडेक्स क्या होगा, साइज माइनस वन ना, साइज माइनस वन, अगर मेरा एरे 5 साइज का है, 5 साइज का, तो लास्ट इंडेक्स कितना रहेगा, 4, साइज माइनस 1 ना, हाँ, तो क्या कर देंगे अपन, जो इमेज आइकॉन है उसका लेंथ माइनस 1 कर देते, क्या कर देते, हाँ, ताकि हम जितना तो लेंथ, उसका लेंथ 2 है ना, हाँ, तो 2 माइनस 1 कितना होता है, तो which is as good as writing this, which is as good as writing, yes sir, समझा, तो आप अगर साइज बढ़ा भी देते हो ना, अगर आप, तो अभी आपको सिर्फ क्या करना है, साइज बढ़ाने के लिए ये नंबर को चेंज करना है और उतने आइकॉन्स बनाने, आइकॉन्स बनाने, हाँ, समझा, yes sir, चलो वेरी गुड, प्रैक्टिस दिस बोथ प्रोग्राम्स।